हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक प्रिंटेड कुर्ती को किस तरीके से आप बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्रिंटेड कुर्ती है जिस पर डॉट है। आपका कोई भी प्रिंटेड कुर्ती हो आप वो ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर एक ही चीज़ की हेल्प लगेगी, वो लगेगी इस रिबन की। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पतला वाला रिबन लिया है। सो यहाँ पे आपको इसे ले लेना है अपने प्रिंट से मैच करता हुआ। एंड उसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे इसका नेक। सो नेक के लिए मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है। आप चिपकने वाली भी ले सकते हैं या विदाउट चिपकने वाली भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 2.5 इंच पे मार्क कर दूंगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद 6 इंच पे मार्क करना है इसकी लेंथ का एंड एक वी शेप दे देनी है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको 1-1 इंच पे भी इसे पे मार्क कर लें, या तो या फिर आप इजीली इसे कट कर लें। उसके बाद 1 इंच चौड़ा इसे कट कर लें तो ये आपका नेक इजीली कट हो जाएगा। ये देख सकते हैं पहले मैंने ऊपर की कट किया है। ये देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आया। उसके बाद हम यहाँ पे 1-1 इंच पे इस तरीके से कट कर लेंगे। मैं आपको मार्किंग करके बता देती हूँ। सो गाइस ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे भी आपको कट कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसे एक फैब्रिक पे चिपका लूँगी। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक पे ऊपर चिपका लिया इसे एंड 1/4 इंच कपड़े को भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें अपनी शर्ट ले लेनी है कुछ इस तरीके से एंड इसके सेंटर को मिलाना है आपस में एंड उसके बाद बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर स्टिच कर लिया। अब 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको इसे कट कर लेना है। तो आपका नेक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। एंड बीच में आपको इसे कट लगा देना है। आप चाहे तो साइड में भी कुछ इस तरीके से कट लगा दें, बट बीच में ज़्यादा मेन रहता है इसमें कट लगाना वी शेप के नेक में। सो उसके बाद आप इसे एक रॉन्ग साइड पर टर्न कर दें कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं हमारा जो नेक है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद इसके ऊपर एक स्टिच दे दें, एक पैर चौड़ी। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये अपना नेक को रेडी कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्किंग करनी है। सबसे पहले आपको बीच में यहाँ पे नोक पे से टेप रखना है, नीचे 13 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। 13 इंच पे मार्क करने के बाद आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम अपना रिबन लगाएंगे। सो सबसे पहले मार्किंग कंप्लीट करनी ज़रूरी है। अगर आप इस पर मार्किंग नहीं करते हैं तो रिबन उधर उधर लग सकता है, आपका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो आप इस पर मार्किंग कर लें जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे हमने जहाँ पे 13 इंच पे मार्क किया था वहाँ से आपको 4 इंच पे एक और मार्क करना है। 13 इंच पे आप से 13 इंच से 4 इंच पे मार्क करना है कुछ इस तरीके से। एंड जब जहाँ पे आपको 4 इंच पे मार्क किया था वहाँ से आपको दोनों राइट एंड लेफ्ट में 4-4 इंच चौड़ा कुछ इस तरीके से 8 इंच चौड़ा हो जाएगा ये, इस तरीके से मार्क करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की जो लाइन ड्रॉ करी थी हमने 13 इंच पे की थी एंड 13 से 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। बीच में जो गैप है ये मेरे 4 इंच का है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है। उससे पहले मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ 4-4 इंच का। सो यहाँ पे भी मैं इस तरीके से 4 इंच का मार्क कर लूँगी एंड ऊपर तक एक स्केल की हेल्प से आपको इसे स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो ये ऊपर की तरफ से भी आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है 4 इंच की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्केल पे की हेल्प से इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से 4-4 इंच के गैप से इस तरीके से मार्किंग कर लेना है एंड ऊपर तक आपको शोल्डर तक इसे मिला देना है कुछ इस तरीके से। स्केल की हेल्प से ही आपको इसे करनी है। सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। अब चलते हैं मशीन की तरफ। सो आप देख सकते हैं मशीन पे भी आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिबन लगाना है जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी। अब नेक से ऊपर से मार्किंग करनी है तो थोड़ा सा आपको 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से मार्किंग करनी है पूरे ही रिबन पे, पहले एक साइड पे एंड इस तरीके से घुमाते हुए चले जाना है कुछ इस तरीके से। इस लाइन पे ले आना है जो हमने ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से। सो गाइस नीचे तक आपको इसी तरीके से ड्रॉप करते चले जाना है एंड नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से घुमाना है अपने रिबन को। नोक बननी चाहिए नीचे की तरफ, दोनों को होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं।
सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक नोक बनाई है पहले, उसके बाद मैं इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी। सो यहाँ पे स्टिच कर लिया है, ये देख सकते हैं जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपको एक पैर भी नहीं, आपको आगे स्टिच करना है। उसके बाद दूसरी नोक बना देनी है, स्क्वायर शेप बन जाएगा ये नीचे की तरफ से। सो उसके बाद आपको बिल्कुल मिलाते हुए ऊपर तक स्टिच करते चले जाना है अपने रिबन पे, ऊपर तक आपको इसी तरीके से ले आना है। सो गाइज ये देख सकते हैं हम ऊपर तक इस रिबन को स्टिच करते हुए ले आए हैं। उसके बाद आपको दूसरी तरफ पे भी पूरे ही नेक पे स्टिच करते चले जाना है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नेक जो है वो बिल्कुल रेडी है, कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। उसके बाद आपको इसी तरीके से दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, आपको रिबन लगाना है चारों तरफ इसके कुछ इस तरीके से, एंड नीचे की तरफ जहाँ पे आपके कोने आएंगे वहाँ पे आपको कोना बनाते हुए इसे स्टिच करते चले जाना है। बहुत ही ईजी आपका कोना बन जाएगा जब आप इसे स्टिच करेंगे खुद से, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन बता रही हूँ मैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरी ही लाइन पे इस तरीके से अपने ये रिबन लगा दिया है। इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आया है गाइज, ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसका नेक लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाने के लिए अपनी इस शर्ट को और डिज़ाइनर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से मार्किंग करूँगी दोबारा। तो जहाँ पे हमने ये रिबन लगा रखा है वहाँ से आपको नीचे सीधी सीधी लाइंस को ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो सीधी सीधी लाइंस को आपको ड्रॉ करना है बिल्कुल नीचे तक। सो यहाँ पे हमने इस तरीके से ये मार्किंग कर ली है। उसके बाद यहाँ इस लाइन से आपको 4-4 इंच का इस तरीके से, सॉरी 2-2 इंच का इस तरीके से मार्किंग करना है। थोड़ा सा मेजरमेंट बताने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है गाइस, उसको अवॉइड करिएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2-2 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया है नीचे तक, एंड नीचे से आपको कमर से ही आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। जहाँ पे आपकी घूम आता है, कमर की गहराई आती है, वहीं से आपको इस तरीके से 2-2 इंच पे मार्किंग करनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी तरफ पे भी हम इसी तरीके से मार्किंग करेंगे, एंड आपको कमर पे से आपको इस तरीके से एक स्क्वायर शेप बना देना है। तो यहाँ से भी हम 2-2 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको नीचे तक इसमें मार्किंग करते चले जाना है, एंड स्केल की हेल्प से एक लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइज हमने लाइंस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे स्क्वायर शेप में कर देना है। तो दोनों तरफ हमारी कंप्लीट हो गई है मार्किंग। अब हम इस मार्किंग पे अपना रिबन लगाएंगे, बट उससे पहले हम नीचे की भी मार्किंग कर लेते हैं। सो मैं नीचे की तरफ जहाँ पल्ला है हमारा वहाँ पे भी मैं रिबन लगाऊंगी कुछ इस तरीके से, मैं 4-4 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करूंगी। सो सारी मार्किंग आपको आई होप समझ में आ गई होंगी मैं किस तरीके से मार्किंग बता रही हूँ आपको। सो इसे भी आपको इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। नीचे की तरफ आप ध्यान दें कि मैंने 4 ही इंच पे इसे मार्क किया है कुछ इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ आपकी लाइन्स हैं वहाँ वहाँ आपको कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको लगाना है। मैंने फिंगर से आपको बता दिया है, ये रिबन मैं रिबन भी रख के आपको इस तरीके से बताऊंगी। सो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, एंड यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग, जहाँ जहाँ आपकी मार्किंग है वहाँ वहाँ आपको इसको स्ट्रिच कर लेना है कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा गाइज, ये देख सकते हैं। एंड जिस तरीके से हमने ऊपर वाला नेक लगाया है सेम प्रोसेस से आपको इसे भी इसी तरीके से लगा लेना है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रिबन जो है वो पूरी शर्ट पे बना लिया है, एंड इसका जो लुक है वो कितना गजब का आ रहा है।
सो गाइज आप अपनी किसी भी प्रिंटेड कुर्ती को ये लुक दे सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका लुक लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज। आप लोगों को कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड इसका फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये पूरा सूट स्टिच होने के बाद ये किस तरीके से लग रहा है। आप चाहे तो इसके स्लीव्स पे भी ये रिबन लगा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल लुक, एक सिंपल कुर्ती को एंड एक सिंपल से सूट को मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।